हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां एक और जेईई मेन 2025 की डेट्स का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आखिर जेईई मेन की डेटें एग्जैक्टली कब डिक्लेयर होंगी। वैसे तो मोस्ट प्रॉब अभी तक की कैलकुलेशन में यही दिख रहा है कि जेईई मेन का एग्जाम जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में होना तय सा है, और जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में होना लगभग तय है। फॉर्म्स निकलेगा नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक, क्योंकि जिस तरीके से डेटे डिक्लेयर होने में डिले हो रहा है, ऐसा लगता है कि शायद फॉर्म रिलीजिंग में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। लास्ट ईयर फर्स्ट ऑफ नवंबर को जेईई मेन का फॉर्म डिक्लेयर कर दिया गया था। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के बाद जेईई मेन का लगभग रिजल्ट फरवरी में कह सकते हैं आ रहा होगा, सेकंड थर्ड वीक में, और इसी तरीके से मोस्ट प्रॉब जेईई मेन की दोनों सेशन के बेसिस पर हाईअर एनटीए स्कोर में ऑल इंडिया रैंक अप्रैल के लास्ट वीक में आएगी, और फॉर्म इस बार भी नवंबर फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। जरा बात करते हैं आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही अपने पास प्रॉपरली अरेंज करके रखने हैं, ताकि आप लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट के लिए परेशान ना हो और आपके पास पूरे दिमाग में ये सब चीजें पहले से हो कि आखिर जब हम फॉर्म भरने जाएंगे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट पहले से होंगे, और अभी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अरेंजमेंट्स करके क्या क्या मैपिंग करके रखनी है, सारी बातें एक साथ कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे प्राइमरी या सबसे नीडेड डॉक्यूमेंट है आप सभी का आधार कार्ड। फॉर्म भरते समय आधार नंबर देखा जाएगा, आधार नंबर फॉर्म में भरना होगा। आधार कार्ड से स्टूडेंट केवल और केवल अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ को अभी से मिला ले। आपकी 10th और 12th में, अगर आप 12th पास हैं तो 10th और 12th दोनों में सेम होगा। अगर आप 10th पास हैं, 12th दे रहे हैं, तो 10th की मार्कशीट से आप सभी स्टूडेंट अपने आधार कार्ड में अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों चीजों को एग्जैक्टली मैच कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होनी जरूरी है। फोटोग्राफ की जहां तक बात है, आधार कार्ड में अगर आपका पुराना फोटो भी है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज है कि नया आधार कार्ड बनाना पड़ेगा क्या, लेटेस्ट फोटो की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड में अगर आपका फोटो पुराना भी है तो आप पुराना फोटो लगा रहने दीजिए। केवल दो चीज आपको देखनी है, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच कर लीजिए। फादर का नाम या मदर का नाम आधार कार्ड से 10th की डिटेल में अगर मैचिंग नहीं हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी, केवल स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ही मैच होना जरूरी है। अब ये बात करें कि आधार कार्ड के अलावा भी आप फॉर्म किन किन चीजों से भर सकते हैं, तो वहां पर पासपोर्ट अप्लाई कर, पासपोर्ट अगर आपके पास है पासपोर्ट से फॉर्म भर सकते हैं। एबीसी आईडी, ये पहली बार लास्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ इंडिया एबीसी आईडी नंबर अगर आपके पास है उससे फॉर्म भर सकते हैं। डीजी लॉकर अकाउंट आपके पास है उससे फॉर्म भर सकते हैं। तो चार चीजें हैं, डीजी लॉकर अकाउंट, एबीसी आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन चारों चीजों से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये चारों चीजों में आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको फॉर्म में भरना होगा, तब जाके आपका फॉर्म आगे जनरेट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मैक्सिममली बच्चों के पास में आधार कार्ड बहुत इजीली अवेलेबल डॉक्यूमेंट होता है, तो आधार कार्ड से अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए। अगर इसके अलावा कोई बात करें कि क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो 10th और 12th, अगर 12th पास है तो 10th और 12th की मार्कशीट अपने पास रख लीजिए। अगर 10th पास है तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल जिसमें आपका स्कूल का नाम है, स्कूल का पिन कोड है, स्कूल का एड्रेस है, 10th का रोल नंबर है, आपकी परसेंटेज है, ये दोनों 10th और 12th में आपको भरना होगा। अगर 12th क्वालिफाइड है तो दोनों भरना होगा, 10th और 12th की डिटेल। अगर 10th क्वालिफाइड है, 12th दे रहे, तो केवल 10th की एकेडमिक डिटेल पूरी फॉर्म में भरनी होगी। तो एकेडमिक डिटेल भरने के लिए 10th और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिए। बात आती है क्या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा। कोई डॉक्यूमेंट पिछले साल फॉर्म में नहीं मांगा गया, ना 10th और 12th की मार्कशीट, ना आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म में स्कैन करके मांगा गया, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं चाहिए। फेस फॉर्म में बात करें कि आखिर फोटोग्राफ में जो फेस होगा, फोटो आप सभी को लेटेस्ट खिंचवानी है, 8 से 10 फोटोग्राफ आप सबके पास होना ही चाहिए। फोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, फोटो नया खिंचवाइए। फोटो में जो फेस होगा ये 80% फेस होना चाहिए, जिसमें दोनों ईयर्स आपके विजिबल होने चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है ये वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। हम सबको सजेशन देंगे कलर्ड फोटोग्राफ खिंचवाइएगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ खिंचवाइएगा, फॉर्म निकलने के बाद फोटोग्राफ खिंचवाइएगा। फोटोग्राफ में बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए ज्यादा अच्छा, ताकि ट्रांसपेरेंसी अच्छी आए, क्लैरिटी अच्छी आए, और कलर्ड फोटोग्राफ खिंचाइए। 10 फोटोग्राफ मिनिमम अपने पास रखिए, 10 फोटोग्राफ, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम एडमिशन में आपके फोटोग्राफ काम आएंगे। कैटेगरी को लेकर के एक इंटीमेशन और देता हूं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट ही मांगा जाता है। इसलिए अगर आप अभी से कंफ्यूज हैं कि मैं डॉक्यूमेंट अभी बनवा लूं,
अप्रैल में बनवा लूं, काउंसलिंग के टाइम में जरूरत पड़ेगी तो अभी बनवा के रख लें? जी अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी आप बस ये कंफर्म कर लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एग्जैक्टली आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म में जो कैटेगरी फिल कर दी, यही आपके जेई मेन 2 में, यही कैटेगरी आपके जेई एडवांस तक चलेगी, काउंसलिंग तक चलेगी, आपको दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं सारे बच्चों को ये पहले इंटीमेशन इसलिए दे रहा हूं, प्लीज अपनी कैटेगरी खुद कंफर्म करके रख लीजिए, क्या आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं नहीं, क्योंकि ओबीसी का डॉक्यूमेंट सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से बनता है, ईडब्ल्यूएस में कोई सेंट्रल लिस्ट नाम की कैटेगरी नहीं होती है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट स्टेट के बेसिस पे बनता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दो कंडीशन होती है, 1000 स्क्वायर फीट का मकान प्लॉट ना हो और 1,00,000 से कम पेरेंट्स की इनकम हो, ये दोनों अगर एलिजिबिलिटी आप एंटिटी पूरी करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप एलिजिबल हैं। ओबीसी में सेंट्रल लिस्ट में हर कैटेगरी को एक हर कास्ट वाइज एक स्टेट वाइज सेंट्रल लिस्ट में एक नंबर दिया गया है और पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, तब तक अगर आप बनवा पाएंगे, काउंसलिंग के टाइम में हम ये सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कैटेगरी को बहुत सोच समझ के ध्यान से भरिएगा, इस चीज का आप सबको ध्यान रखना है। डेबिट कार्ड चाहिए फॉर्म में पे करने के लिए तो नॉर्मल सारे यही डॉक्यूमेंट चाहिए, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट फॉर्म में ना तो कैटेगरी का जाएगा ना 10th और 12th की मार्कशीट का जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखिए, आधार कार्ड से नाम मिला लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए, दूसरा फोटोग्राफ बाद में खिंचवाना है, कैटेगरी कंफर्म कर लीजिए, 10th और 12th की मार्कशीट अपने पास अरेंज कर लीजिए, फीस पे करने के लिए डेबिट कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा फॉर्म में और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन एनटीए का आखिर किस दिन आता है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। चैनल पर बने रहे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लो भाई, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें अपनी क्वेरीज। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।